सेक्स एजुकेशन सीरीज जो एक लिटरली फन और लव और सेक्स पर बेस्ड थी और उस फाइनल सीजन आ गया है और यकीन करें कमाल का था। और हम उसमें करेक्टर देखते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब यही कि वो टीन एज के बच्चे हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है और उसी के साथ बहुत सारे ख्याल उनके माइंड में आ रहे हैं पर वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये सब हम तीनों सीजन में देखते आ रहे हैं बट उसका फाइनल सीजन सच में एक परफेक्ट था। मतलब जितने भी करेक्टर उनका कोई ना कोई मकसद दिखाया गया पर उसी के साथ जो उनकी प्रॉब्लम थी वो भी इस फाइनल सीजन में आखिर खत्म हो जाती हैं और सब करेक्टर जो चाहते थे वही उन्हें मिलता है। एरिक जो मेन करेक्टर की लिस्ट में आता है और दोस्त है ओटिस का, तो फाइनली उसकी फैमिली और उसकी कम्युनिटी के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है। और जैक्सन की बात करें तो उसको भी फाइनली अपने माँ बाप का असल ताल्लुक का पता चलता है और वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसके माइंड में हमेशा से ये ख्याल आता है कि उसका बाप कौन है। और इस फाइनल सीजन में भी उसको सब कुछ पता चल जाता है और उसकी भी एक हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर हम एडम को देखें तो उसकी एंडिंग बहुत ही जबरदस्त थी। जो वो चाहता था वो काम करे क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और उसका बाप जो है वो उसको बहुत ही फोर्स करता था बट फाइनली हम इस सीजन में देखते हैं कि वो अपनी दिल की करता है और फिर उसका बाप भी उसकी ये इजाजत देता है। देन हम इसी सीजन में देखते हैं कि उसका बाप जो है उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है और ये फिर से फैमिली एक साथ रहती है खुशी से। और इस सीजन में हमें एक और चीज पता चलती है कि कुछ करेक्टर की एक डार्क स्टोरी है और उनमें आती है एक रूबी, मेव और ओ। रूबी को तो हम पहले सीजन से देखते आ रहे हैं जो कि खुद को स्टार और अमीर दिखाती है लोगों के सामने। एक्चुअल में वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से होती है और उनका कोई दोस्त नहीं होता और रूबी को लगता है कि उसकी गरीबी होने से उसका कोई दोस्त नहीं है इसलिए वो अमीर दिखाती है खुद को ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें। बट इन द एंड हम इस सीजन में देखते हैं कि रूबी समझ जाती है कि अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो वो हमसे भी अच्छे से बात करता है और ये जब उसको पता चलता है तो वो फिर सभी से अच्छे से बात करती है और सबकी रिस्पेक्ट करती है और फिर उसको पता चलता है कि असल दोस्त होने की वजह क्या है। और अगर ओ की बात करें तो ये करेक्टर हम सिर्फ और सिर्फ इस सीजन में दिखा है बट इसकी स्टोरी भी काफी रूबी जैसी होती है पर ये थोड़ी अलग है। जैसे कि बचपन में इससे कोई दोस्ती नहीं करता क्योंकि ये थोड़ी चाइनीज दिखती है और बस इसी वजह से वो सबसे अलग दिखती है और देन कोई भी इसे दोस्ती नहीं करता और फिर ये खुद को दूसरों से अलग समझती है तो वो अकेला रहती है और फिर बहुत ही मेहनत करके वो एक अलग मकाम बनाती है। और मेव का भी बचपन जो था वो भी बहुत ही एक डार्क था या ये कहें कि वो अच्छा नहीं था और उसकी वजह जो थी वो उसकी माँ थी वो एक गरीब खानदान से थे। आगे हम चल के इसको देखते हैं कि उसको भी कोई पसंद नहीं करता वो इसलिए कि सबसे अलग रहती है। देन ओटिस उसे समझता है और इसी वजह से मेव उसको लाइक करती है और फिर हम लास्ट में जो लेटर देखते हैं जो कि मेव ने ओटिस को लिखा था वो भी इसी के बारे में था कि उसे पता चलता है कि मेव को चेंज करने वाला वो ओटिस ही है। देन लास्ट में ये भी दिखाया गया है कि मेव का जो ख्वाब था राइटर बनने का तो वो पूरा करना है इसलिए वो वापस जाती है अमेरिका कॉलेज में और यहाँ ओटिस अकेला रह जाता है बट उसे समझ आ जाती है कि मेव को उसका ख्वाब पूरा करना है और वो उसका वेट करता है। बट ये उनका कोई ब्रेकअप नहीं था, बस हम ये कहेंगे कि बस वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं जब तक वो एक दूसरे से मिल न जाएं। तो ओवरऑल बात करें तो फाइनल सीजन की कहानी जबरदस्त थी और जो हमें इस सीरीज की एंडिंग दिखाई गई है वो भी कमाल की थी। और अगर हम इसकी असल बात करें तो जितने भी करेक्टर दिखाए गए इस सीरीज में वो अब दोबारा नहीं आना चाहते थे इस सीरीज में क्योंकि सब बिजी हो गए थे इसलिए इस सीरीज को खत्म किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।